मीनाक्षी के बीच में काफी तनातनी है, यहाँ पे मिस्टी पहुँच गई है, छुप छुपा के देख रही है, जानते हैं क्या चल रहा है। एक्चुअली अब तक मेहुल जी सबकी गुड बुक्स में थे, एटलीस्ट मेरे और अबीर की, बिकॉज हमें लगता था कि बेचारे के साथ बहुत उन्हें बहुत सारी ट्रबल से गुजरना पड़ा अपनी लाइफ में मीनाक्षी जी की वजह से। तो अब तक वो काफ़ी इनोसेंट थे हम दोनों की नज़रों में, लेकिन आज मैं मीनाक्षी जी से यहाँ मिलने आती हूँ और मैं कुछ ऐसी बातें सुनती हूँ, कुछ ऐसा देखती हूँ जिससे मुझे मेहुल जी पे डाउट होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि जितने इनोसेंट वो दिख रहे हैं, क्या वो उतने हैं भी, वो झूठ बोल रहे हैं अबीर से, मीनाक्षी जी से झूठ बोल रहे हैं। मैंने मीनाक्षी जी के चेहरे पर भी थोड़ी टेंशन और मायूसी देखी, सो आई फेल्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। तो मिष्टी का दिमाग अब चलना शुरू हो गया कि चल क्या है, कहीं ना कहीं मेहुल जी का असली चेहरा भी अब मिष्टी के सामने आ रहा है। हाँ, मिष्टी को अब डाउट हो चुका है, तो जब तक वो पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती तब तक वो चुप नहीं बैठने वाली है। सो जब तक उसे पता नहीं चलता कि मेहुल जी किस इंटेंशन से यहाँ आए हैं, आप एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है, तब तक शी विल नॉट, बिकॉज वो अबीर की लाइफ में कुछ गलत नहीं होने दे सकते। तो क्या एक तरफ मेहुल जी हैं, दूसरी तरफ मीनाक्षी हैं, मीनाक्षी जी के साथ, तो किस तरह से मिष्टी किस तरफ जाएगी या कैसे सपोर्ट करेगी? तो वही तो बात है, जब तक मिष्टी को सच नहीं पता चल जाता तब तक वो किसी के साइड में नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थप्पड़ पड़ा है आज मम्मी के हाथों से प्यार में। हाँ हाँ, प्यार में अक्सर थप्पड़ पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती है। अभी तो बस थप्पड़ पड़ा है, देखते हैं। अभी तो बस स्टार्टिंग है, कुहू ने ये बात का खुलासा किया है कि वो कुणाल से प्यार करते घर पे, और घर पे किसी को ये बात पसंद नहीं आ रही है, तो चाटा तो पड़ गया है। और कुहू इस बात से बहुत तिलमिला गई है और वो निकल पड़ी है। उसे लगता है कि वैसे ही लगता था कि उसे घर पर कोई प्यार नहीं करता, एक माँ थी, माँ ने भी थप्पड़ मार दिया। तो लेकिन कहीं ना कहीं मिस्ट्री है जो काफ़ी सपोर्ट कर रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर हर जगह वो आपको सपोर्ट करती ही नज़र आ रही है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, मिस्ट्री तो हमेशा से सपोर्ट करती है मुझे, और स्पेशली अब प्यार की बात है, और अबीर, और इससे पहले अबीर और मिष्टी की कॉन्वर्सेशन जो हुई है, कि उससे भी पता चला कि कुणाल का दिल पहले से टूटा हुआ था और उसने दोबारा तोड़ दिया। तो अब ये मौका है जहाँ मिष्टी को अपनी गलती या अपनी कुणाल के प्रति जो उसका रूड बिहेवियर था उसको ठीक करने का मौका मिला है, तो वो पूरे जी जान से उसको ठीक करने के लिए है। अच्छा, क्योंकि और मैं जाना चाहेंगे, अभी तक एक लाफा पड़ा है मम्मी के हाथों से, जहाँ पे वो इतनी ज़्यादा वो हो गई है, तो क्या लगता है आगे भी कुछ स्टैंड लेने वाली है? मिष्टी तो हाँ, देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्या स्टैंड लेती है मिष्टी। अभी तो फिलहाल वो मेरा सपोर्ट कर रही है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अपने सपनों को एक बार फिर से तोड़ दिया, कुछ तो पेंटिंग वगैरह सब खराब हो चुकी है। हाँ, हम लोग एक्चुअली यहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे हमने NGO कैंप सेटअप किया है, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि गांव के बदमाश गुंडों ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अबीर की जो ड्रीम स्कूल है जो वो खोलना चाहते हैं यहाँ पे, वो पूरी ख़राब हो गई है। एंड मुझे पता चलता है कि अबीर बहुत दिल से इस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके इस चीज़ को स्कूल को सुधारूं, पेंट वापस हम नया कर दें, बेंचेस वापस अच्छे से कर दें जब तक बच्चे आते हैं, तो हम सब मिल के मेहनत करते हैं इस चीज़ में। मेहनत के बीच में एक दोस्ती के बीच में डांस और रोमांस चल रहा है दोनों का। हाँ, एक्चुअली अबीर का स्टाइल भी यही है कि वो काम मस्ती करते करते ही काम करते हैं, हंसते खेलते काम करते हैं। सो इसी बीच गाना बज जाता है, हम सब डांस करने लगते हैं, वी स्टार्ट एंजॉयिंग। अच्छा, अभी कितना एंजॉय करने वाली इस डांस को? एंड लास्टली ये पूछना चाहेंगे कि जो भी बच्चे के लिए आप जो भी कर रहे हैं, तो उसमें और कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है इस गांव के लोग कि मतलब जो भी गुंडे हो कि ना हो सपने पूरे। जब हम कोई अच्छा काम करने वाले तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, कोई ना कोई रुकावट आई जाती है, तो हम स्कूल को ठीक तो कर देंगे लेकिन हम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे, वो गुंडे वापस आएंगे और बहुत बड़ा ड्रामा होगा उनके आने से। थैंक यू। तो पहले तो आज जानना चाहेंगे, शादी का शुभ विवाह पे पिताजी आज आ चुके हैं, तो क्या बताना चाहेंगे मिस्टर, कितनी खुश और कितनी अपसेट है? ये शादी नहीं है, मेरा संगीत रोल, ये शादी नहीं है, मेरी सगाई होने वाली है, जिसे हम गुजराती में गोरधाना कहते हैं।
और मेरी सगाई के दिन मेरे जो असली पिता हैं यानी कि नमन, वो आ जाते हैं यहाँ पे और इमोशनल ड्रामा करने लगते कि मेरी बेटी जिसे मैंने जन्म दिया लेकिन मैं बहुत बुरा पिता हूँ ये वो, लेकिन यहाँ पे मिश्टी को पता है कि जो उनके पापा हैं उनका असली मोटिव क्या है। पहले भी उन्होंने बड़ी माँ को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था और अभी भी वो किसी और मोटिव से आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि सच में उनके दिल में प्यार हो क्योंकि उन्होंने गिफ्ट लाया और काफ़ी इमोशनल एक दिख रहा है कनेक्शन। नहीं, मिष्टी को लगता है कि पूरी जब से वो छोटी थी तब से लेके बड़ी होने तक उसका ध्यान और उसे अच्छे से पाल पूस के बड़ा करने का काम बड़ी माँ और बड़े पापा यानी कि विशंबर और राजश्री जी ने किया है, तो जो गोड़धाने की रस्म है उसको भी एज अ पेरेंट उन दोनों को ही आगे लेके जाना चाहिए, वो मेरे पापा का हक नहीं। अच्छा, लास्टली पूछना चाहेंगे कि पापा जो हैं तो कहीं ना कहीं पापा का भी एक कनेक्शन है बाप और बेटी का, तो पापा को इस संगीत के मोमेंट पे प्यार करेंगे या उनको कुछ उनको निकाल दिया जाएगा घर से क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ गीत ले के आते हैं घर में। फ़िलहाल तो मुझे अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफरत है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ मेरे गोड़धाने वाले सबसे स्पेशल डे पर यहाँ पे रहें, तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ जल्द से जल्द चले जाएँ। मैम, आपके लुक के बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? आप देख सकते हैं मेरा लुक आज गोड़धाने का, आपके गले का, आपके कान का, क्या दिखाऊँ, ये जो है देख रहे हैं इसको डिस्क्राइब भी नहीं करना आता मुझे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। शो के लिए नए फोटो लेके आप फर्स्ट डे का फर्स्ट शो का देखा काफी अनोखा रहा आपके फोटो। अच्छा, नया फोटो लेके? हाँ, बिकॉज आई वाज क्लिकिंग पिक्चर्स। अच्छा, ही इज रेफरिंग टू। हाँ, अनोखा पता नहीं वो, मगर अच्छा था। हाँ, लोकेशन अच्छी थी, जगह अच्छी थी, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, तो मैं भी अच्छा लग गया शायद। ओके, आप बस में आप जा रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेके, काफी अलग रहा मतलब फर्स्ट डे का शो? हाँ, इन्होंने एकदम सही बोला कि बैकग्राउंड एवरीथिंग इज़ गुड, तो इसलिए शायद हम भी अच्छे दिख रहे हैं, मैं अच्छी दिख रही हूँ, ये तो एनीवेज अच्छे दिखते ही हैं, बट हाँ मुझे अपने आप को देख के अच्छा लगा। अभी क्या मैं रियल लाइफ में भी वैसी हूँ, दैट्स ट्रू। हाँ, कभी कभी मैं ऐसे ड्रेसअप करती हूँ, बट यूजुअली या मैं खुद चश्मे पहनती हूँ और बहुत ही कैजुअल कपड़े, एंड या आई एम समवॉट लाइक मिष्टी, आई वुड से दैट। ओके, सर, फर्स्ट डे जैसे कि प्रोमो बहुत पहले आ चुका है, लोगों को काफी लोग बहुत उत्साहित है इस शो को देखने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू गेट फ्रॉम द योर फैन सोशल मीडिया में? अभी आज तो पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, अब यू आस्किंग मी फॉर द रिस्पांस फॉर द प्रोमोस, बहुत अमेजिंग रिस्पांस था। एक्चुअली उन्होंने भी मुझे ऐसे कोई किरदार में देखा नहीं है पहले, जितना प्रोमोज में उन्हें दिखा उन्हें काफ़ी एक्साइटिंग लगा, और शो से भी इस जो कॉन्सेप्ट से बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पाएँ, सिटीज़ में नहीं मगर रूरल एरियाज़ में शायद रिलेट कर पाएँ, तो हाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नहीं, वे फ्रॉम द सिटी वी लव द प्रोमो, प्रोमो बहुत अच्छा है, बादशाह के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, डू दैट वीडियो एंड एवरीथिंग, वो चाय चाय सॉन्ग बहुत अच्छा है, एंड द प्रोमो लुक्स अमेजिंग यार, इंशाल्लाह हम ऐसे ही अगले थोड़े थोड़े इंटीग्रेशन करते रहे और ऐसे ही मिलते रहे आप सब। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप दोनों की 800 एपिसोड कंप्लीट हो गए और बहुत ही अच्छी जर्नी रही आप दोनों की, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा 800 लकी नंबर है, तो आई एम ग्लैड 800 एपिसोड हुआ। 18th मेरा लकी नंबर है, मेरा बर्थडे 18th को आता है और आज 18th है, आई थिंक आज लकी डे है, शो नया शो लॉन्च हुआ है आज के दिन, आई थिंक इट्स अ लकी डे। ओके, यू आर द बेस्ट जोड़ी इन टेलीविजन, ए लिस्टेड एक्टर आप हैं और अच्छा, आई लाइक दैट, आई लाइक द फ्लिप, राइट, अच्छा, ओके, अब पूछिए अंगूर कहाँ है, अब बताइए। हम सर को आई डोंट थिंक कोई टिप दे सकते हैं। कैसे बने मतलब, आई थिंक दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और आप देखिए वो तो स्क्रिप्ट बनाई।
I think we've chemistry already ka raaz pooch rahe hain, I guess, hai na? Raaz kya? I think we've already seen them for years, and they, mashallah, they do amazing job. Yeah. We've worked together. We've yet to shoot, but we've already seen them on television. They're amazing actors, and inshallah, we just hope ke we get entertained here. हम जब भी अभी बैठ के देखेंगे पूरी फैमिली के साथ तो हम पूरे एक घंटे ही देखने वाले हैं. Nice. तो जब भी देखेंगे तो we'll obviously see the episode and फिर देखते हैं. So as Mohsin said, you guys know what to do now. पूरे एक घंटे देखना है Star Plus. 9:30 to 10:30, right? बिल्कुल. वो मैंने किया ना सोशल मीडिया पे शेयर. मैं अपनी फैमिली के साथ थी, हम लोग मंदिर गए थे, मेरी पूरी फैमिली साथ थी. अरे ग्रेट टाइम. ओके, आखिर में लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे ये शो के लिए? ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे. बहुत अच्छा था फर्स्ट एपिसोड, ऐसे ही सारे एपिसोड्स भी अच्छे रहे. ये रिश्ता का कहलाता है कि सारी कास्ट क्रू आ गई इधर भी. नहीं क्या हुआ है? लव ये रिश्ता का कहलाता है, प्लीज ज्वाइन. एंड हू इज अ पार्ट ऑफ द टीम, प्लीज ज्वाइन. काम करो ना. या अच्छा, आई वुड लाइक मोहसिन शिवानी टू से फ्यू वर्ड्स टू वेलकम द टीम. Firstly, many, 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 many congratulations, sir, and JazakAllah. You gave us this platform, and inshallah, you gave me this platform, and inshallah, may Lord give you most platforms, and may Lord be with you. Bolly Wrap. Amazing episode. So all the best guys, first episode था और अभी तो बहुत 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 लंबी जर्नी करनी है, दोनों परिवारों को साथ में मिलके करनी है. आई थिंक इट्स ग्रेट यार, नई फैमिली साथ में जुड़ी है तो उसका मजा ही अलग है. ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट. Thank you so much, sir. I would like to thank Rajan sir for believing in us, for giving me Naira, and giving him Karthik. मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 2.5 साल 3 साल के बाद भी अगर वो सेम बोल रहे हैं फर्स्ट डे, that means I'm very lucky and wish they have really, really the hard work that they have put in, and it's really amazing. When I was in outdoor this time, I was telling them. And I remember the kind of an outdoors we used to do, and it was brilliant. Some of the same synergies there, the same humility towards working there. So it's really brilliant. And from this side, I will ask first, Rupal ji, if you want to say a few words. Namaskar, aap sabhi ko dhir sara pyaar. Ye rishta kya kehlata hai? Ek neem hai, aur ek mazboot neem hai, jinhone hame bahut hi ek pillar diya hai, aur is par hame unchi imarat banani hai. तो नीम और इमारत का रिश्ता इसी तरह बरकरार रहे. एक सवाल पूछा था राजन सर ने, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके उत्तर के साथ प्रस्तुत हुए हैं कि ये रिश्ते हैं प्यार के. मैं एक बात जरूर कहूँगी कि राजन शाही सर इनके काम में ही शाही है, तो इनके अंदाज में शाही है. इनकी इनकी जो टीम है वो जो शाही दरबार में रत्नों से भरी हुई होती है वैसी टीम है. तो पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ. रिश्ता क्या कहलाते हैं टीम के प्यारे मेरे साथी कलाकारों को भी शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बधाइयाँ देती हूँ, और ज़रूर धन्यवाद करती हूँ कि हमें भी आपकी नींव पर ऊपर इमारत बनाने की हमें एक एक मार्ग दिखाया है, एक दिशा दिखाई है. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजन शाही सर. थैंक यू सो मच. फर्स्ट एपिसोड वॉज अमेजिंग एंड थैंक्स टू ऑल माई को आर्टिस्ट. हम सब भी रत्न ही हैं. गरिमा का है? गरिमा गरिमा चली गई. ओ अच्छा, आशीष जी आई सर, समझाने का काम सामने जाइए. शिवांगी मैम टच कर लेते हैं.
किशन नीचे कर मोबाइल स्टार्ट करें। 1, 2, 3 बिल्कुल बिल्कुल।